खरगोन जिले कसरावत थाने के दो गांव के पास एक निजी यात्री बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे झाड़ियों में जा घुसी। हादसे में करीब 25 यात्री घायल हो गए। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया और कोई जनहानि नहीं हुई। ग्रामीणों की मदद से मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को कसरावत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। बस बकावा कानापुर से कसरावत होते हुए इंदौर जा रही थी। मौके से बस ड्राइवर और कंडक्टर फरार हो गए। बस में करीब 70 से 80 यात्री सवार होना बताया जा रहा है। सड़क खराब होने से बस की कमानी का पट्टा टूटने से अचानक बस अनियंत्रित होकर झाड़ियों में जा घुसी। सुखद खबर यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। महिला यात्री ने बताया, तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर झाड़ी में घुस गई। बस में करीब 80 सवारी सवार थे। मौके से ड्राइवर और कंडक्टर भाग गए। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। बस में बैठे थे आप, कहां से कहां जा रहे थे आप? हम कानापुर से इंदौर जा रहे थे। अच्छा, बस में कितनी सवारी थी? 80-90 सवारी थी। अच्छा, गाड़ी तेज चला रहा था? ये गाड़ी वाला भाग गया है। क्या नाम है आपका? ये बस में जो घटना हुई है, बस पलटी खाई है, कहाँ से चलती है और कहाँ जाती है? ये सवेरे बकावा से रवाना होती है और इंदौर जाती है। पूरी घटना बताएं क्या हुआ है सर? जैसे बकावा से रवाना हुई 6 बजे और 7 बजे दोगाँव आती है। दोगाँव से भी सवारी बैठी, कम से कम 80-90 सवारी थी गाड़ी में। ज़्यादा सवारी थी? हाँ, 80-90 सवारी थी और गाड़ी स्पीड में थी। अब वो बताते हैं, ड्राइवर कहता है स्टीयरिंग फेल हो गया। अब हकीकत क्या है कि जैसे गाड़ी अंदर घुसी तो हम खेत में थे, तो हम जैसे ही दौड़ के आए, फिर इनको सबको संभाला और लेकर के यहाँ आए। गाड़ी स्पीड में थी और 80-90 सवारी ज़्यादा थी। हाँ, आप कहाँ रहते हो? मैं दोगाँव रहता हूँ। क्या नाम आपका? सोहन सिंह दसौंधी। आपका परिजन भी कोई इसमें रिश्तेदार हैं? हाँ, मेरा बड़ा भाई है ना। घायल हो गए? वो भी घायल है, पाँव में लगा हुआ है, कंधे पे लगा हुआ है। किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है? नहीं, मृत्यु नहीं हुई। कौन सी बस है ये? ये बकावा इंदौर जैन बस, MST माँ शारदा की बस। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।